मैं बचपन से ये समझती थी कि ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी मम्मी के घर में ये था कि भाई पूजा करो और निकलो। हर बार हम घर से बाहर कभी भी पूजा किए बिना नहीं निकलते थे। नमस्कार सभी को, मेरा आत्मवंदन। मैं नीता सोनी फ्रॉम शारजा UAE। मैं बचपन से ये समझती थी कि ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी मम्मी के घर में ये था कि भाई पूजा करो और निकलो। हर बार हम घर से बाहर कभी भी पूजा किए बिना नहीं निकलते थे। हमारे साथ ये था दिया लगाओ, और वही संस्कार हमने अपने बच्चों में डाले हैं कि घर में पूजा करो, दिया लगाओ और बाहर निकलो, बिना दिया के घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन जब यहाँ पर UAE में काफ़ी समय बिताने के बाद JTTP 12 जब शुरू हुआ, तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि दीदी आप ये क्यों नहीं अटेंड करते। मैंने बोला रात को 3:30 बजे उठ के बैठना, यानी टाइम डिफरेंस आपको मालूम ही है कि दुबई 1.5 घंटा पीछे है इंडिया से, तो इंडिया में जब 5 बजते हैं, हमारे यहाँ 3:30 बजे। और घर में सबने यही बोला 3 बजे उठोगे आप, मम्मी इम्पॉसिबल। मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही है। और सच में 2-3-4 दिन बहुत तकलीफ हुई उठने में, उसके बाद इतना एक मुझे लत लग गई, चाहे मैं मेडिटेशन करूँ या ना करूँ 3 बजे उठ जाती थी। और 3:30 बजे स्नान वगैरह करके 3:30 बजे मैं बड़े आराम से बैठ जाती थी, और इतना अच्छा ध्यान लगता था। JTTP 12 किया, बहुत मज़ा आया। JTTP 13 किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने शंपा मुखर्जी का मैंने 2 बार इनर चाइल्ड किया, उसमें भी बहुत अच्छा था। जो एक्सपेरिमेंट करवाती थी वो, बहुत मज़ा आता था कलर करने में, बच्चों के जैसे हलचल करने में, बच्चों के जैसे एक्टिंग करने में, बहुत 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 ही अच्छा रहा। सच थैंक यू सो मच कि जिपत्री जी ने हमें ये दिखाया है मार्ग, और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब तो एक ऐसी लत लगी हुई है कि बिना मेडिटेशन के हमें मज़ा ही नहीं आता, ज़िंदगी में जैसे कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा हो गया है। और हाँ, मैंने गुड़ा किशा का पूरा 5 दिन का कोर्स किया, और अभी 40 दिन का ध्यान जो रोज लगता है, रात को 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर टाइम की है कि इंडिया के 10 बजे यानी यहाँ 8:30 बजे में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ दुबई के 10 बजे बैठूँगी। तो जी हाँ, मैं 10 बजे से गुड़ा किशा का भी कोर्स कर रही हूँ, कोर्स हो चुका है, अभी मेडिटेशन चल रहा है। और हाँ, मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले तो ना बात में, क्योंकि मैं स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ, तो जैसे बच्चों पर गुस्सा करती हूँ ना, वैसे मैं सब पर गुस्सा करने की आदत थी। समझाना भी बहुत अच्छा आता था, लेकिन गुस्सा भी करना आता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कोई कुछ भी करे, गुस्सा करे, कुछ भी करे, चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना। काम करते हुए ध्यान करिए, बातें करते हुए भी ध्यान में चले जाना, और ये सब चीज़ें। लेकिन जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है कि सच है, ध्यान पूरा जीवन परिवर्तित कर देता है। और वाकई में मुझे लगता है कि हमने जो भी मार्ग अपनाया है बहुत ही अच्छा अपनाया है, और भविष्य में भी हम आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे और नया नया सीखते जाएंगे। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, यानी हर बात मैं उनसे पूछ के ही करती हूँ। और जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे साईं बाबा विराजमान है, और हर बात पे वो मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत फहमियाँ भी हो जाती है, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं हमें उसका सलूशन मिल जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आगे हमें इस तरह बढ़ना है। तो हम जब इंडिया जाने वाले थे, और 2 महीने पहले हम इंडिया गए थे, नवंबर या दिसंबर में हम इंडिया गए थे, वहाँ पर हमें मथुरा जाना था हमें कुछ प्रोग्राम के लिए। लेकिन कोरोना इतना बड़ा हुआ था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वो फंक्शन बहुत ज़रूरी था। जैसे ही ध्यान में बैठे,
बाबा ने कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और सच हम बता रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके जो हमने अनुभव लिया है मथुरा जाके, हमेशा पत्री जी एंड बाबा हमारे साथ रहते थे, यानी एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और जो चीज़ मैं पहले नहीं कर पाती थी, किसी भी काम में मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद नो कन्फ्यूजन, अभी जो भी है अच्छा ही होगा, आगे बढ़ो, बस मेडिटेशन करते जाओ। तो वाकई में मेडिटेशन ने पूरी लाइफ हमारी बदल दी है। मैं बुक में ज़्यादा गीता जी पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि गीता जी के कुछ शब्द हैं जो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये तो हम कैसा कार्य कर रहे हैं और आगे कैसा करेंगे, ये हमारे ही कार्य पर डिपेंड करता है कि हमें भी इसी तरह भगवान फल देगा। और हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, हमें इतना मालूम है। अगर हम अच्छा करेंगे ऊपर वाला हमारा भी कुछ ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। और बहुत से लोगों को मैं इस पर ध्यान के बारे में बताती हूँ, ध्यान से जुड़िए, ध्यान से। एक दो लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, जब भी मैं किसी से मिलती हूँ उनको पूरे ध्यान के बारे में बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। समटाइम उन्हें दीप्ति नडेला जी के पूरे वीडियोस भेजती हूँ कि आप इसे बैठे। हमारे पूरे परिवार में, यानी मैं, मेरी सिस्टर, मेरी तीन सिस्टर, मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मतलब हम लोग छः बहनें हैं, छः बहनें इस ध्यान में हैं। भाभी भैया, यानी अब हमारी पूरी फैमिली इस ध्यान में आ गई। इवन मेरे पति देव ने भी JTTP 12 और 13 साथ में किया है, और उन्होंने शंपा मुखर्जी का इनर चाइल्ड भी किया है। जी हाँ, वो भी मेरे साथ हमेशा ध्यान में रहते थे। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी, JTTP 12 जब मैं कर रही थी तो उनको ये लगता था कि इतने सुबह जल्दी उठ के ये सब आप क्या करते हो, लेकिन जब मैंने एक बार उन्हें ध्यान में बैठाया, श्रेयांश डागा जी का एक ध्यान जब मैंने उनको करवाया, उन्हें इतना मज़ा आया कि JTTP 13 में वो पूरे 40 दिन, जितने भी दिन रहा हमारा ध्यान रहा, उतने दिन वो मेरे साथ जुड़े रहे। और बहुत बहुत उन्होंने अनुभव किया है, बहुत, मतलब हर बार ये कि सुबह उठ के हमारी यही बात होती, आज आपने क्या देखा ध्यान में, आज आपने क्या किया। कभी नहीं भी लगता है ध्यान, ऐसा नहीं है ध्यान नहीं भी लगता है, लेकिन जब ध्यान लगता है तो ऐसा लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं और पूरे हम बादलों के बीच में हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई परी हमें लेके जा रही है, कभी ऐसा लगता है कि हम किसी अलग दुनिया में ही रहते हैं, मतलब ये दुनिया है ही नहीं, और वहाँ से वापस आने का दिल नहीं होता है। इतनी शांति, इतना सुकून कि वाकई में मतलब एक नया अनुभव होता है। मुझे जब पहले एक बार स्टोरी पत्री जी के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे, लेकिन जब मुझे बताया कि ये बुद्धा के शिष्य हैं, मैंने कहा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बुद्धा के शिष्य बोले तो बुद्धा 2500 साल पहले कैसे हो सकता है। लेकिन जब उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तब मुझे लगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। और वो मतलब मान से उनके लिए हमारा मस्तक झुक गया कि वाकई में यही लोग ऐसे हैं जो सबको आगे लेके जाते हैं। मानव कार्य जो कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही जो पत्री जी हम सबको आगे लेके जा रहे हैं, उनकी ये महानता है कि बिना निसंकोच, बिना कुछ मतलब चार्ज लिए बिना, ये हम लोगों को मानवता सिखा रहे हैं। पत्री जी एक वाकई में बहुत अच्छे पथ प्रदर्शक जिसे कहा जाता है, और हम उनके मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमसे जितना बनेगा उतना हम आगे JTTP को ले जाने की कोशिश करेंगे, लोगों को ध्यान सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे बस। और मैं सच में सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, दीप्ति नरेला जी का, शंपा मुखर्जी का, और जितने भी हमारे यहाँ सिस्टर्स हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मार्ग दिया है। पत्री जी आपको शत शत कोटि नमन कि आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, और हम आगे भी इसी तरह आपके मार्ग पर प्रशस्त करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।